वैशाली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक राज और भैया जी ने गोरल प्रखंड क्षेत्र के कटरमाला पंचायत में मोहम्मदपुर दरिया सहित कई गांव में जनसंपर्क कर चुनाव जीतने का लोगों से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वैशाली में कोई व्यवस्था ही नहीं है। विधायक बनने के बाद पहला कार्य वैशाली विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज बनाना होगा। चुनाव में युवा हमारे साथ है और जीत हमारी ही पक्की। देखिए, सर्वप्रथम मैंने अपने 7 संकल्प को जारी किया है, जिसमें सबसे युवा लोगों की मांग है कि यहाँ डिग्री कॉलेज की कमी है। जब मैं राजनीति में प्रवेश कर रहा था तो मैंने ये फील किया कि यहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज ना रहने के कारण से क्लास 12 के बाद लड़कियों की बच्चियों की पढ़ाई में ड्रॉप आउट हो जाता था। नीतीश जी जो है अपने विचारों में ये रखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाओ कैसे? बेटी अगर 10 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर दूर यहाँ संसाधन की कमी है तो जाने में सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है, जिसका नतीजा ये होता है कि या तो उनके साथ रास्ते पे जाने में छेड़खानी होती है जिसके कारण मजबूरन पढ़ाई छूट जाती है। तो डिग्री कॉलेज होना सर्वप्रथम बहुत ज़रूरी है। दूसरा मुद्दा, यहाँ बहुत दिनों से 1990 के बाद से चीनी मिल बंद है, हम लोग चीनी मिल चालू कराने की बात कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा यह है कि अनुमंडल की बात है, अनुमंडल जो है अभी तक नहीं बना है। वैशाली जो ऐतिहासिक रहा है वो आज तक अनुमंडल यहाँ होने के जगह महुआ अनुमंडल बन गया, पातेपुर अनुमंडल बन गया, हाजीपुर अनुमंडल बन गया, लेकिन ऐतिहासिक रहने के बावजूद वैशाली अनुमंडल